हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, WBCS प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और आपको पता होगा कि जीके का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके से रिलेटेड, उन सभी का हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे। अगर कोई आंसर आपको गलत लगे या फिर उसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। और इसका आंसर की जो है वो शाम को 8 बजे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो आंसर किया या फिर जो भी अपडेट्स वगैरह आएँ वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हो सकता है आपका बुकलेट सीरीज़ मैच ना करें, लेकिन क्वेश्चन वगैरह सेम होते हैं अगर आपने किए हैं तो। हालांकि आपको याद ही होगा कि आपने क्या ऑप्शन टिक किया, तो उस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी कोई भी क्यूरीज हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें पिंग कर सकते हैं, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, ये बुकलेट सीरीज सी है। हालाँकि सी हो, ए बी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, चार सीरीज़ रहते हैं, तो ये सी है। अगर आपका कुछ चेंजेस वगैरह हैं तो उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। और आशा करेंगे कि ये जो दो बुकलेट सीरीज़ हैं, सी और बी, उन दोनों का ही आंसर की चैनल पे लाने को। ठीक है, तो चलिए जो सीधे जीके का जो क्वेश्चन है, क्योंकि जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो उसी को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन के हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंग्लिश से शुरू है और पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। हम लोग स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं कि लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से पूछा गया है। और उसके बाद आपका शुरू होता है जीके का सेक्शन। ठीक है, 26 से शुरू होता है जीके का क्वेश्चन। तो चलिए पहला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द हिंदू कॉलेज वॉज फाउंडेड। हिंदू कॉलेज वॉज फाउंडेड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, 1817 एडी में, 20 जनवरी इसका डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 27, इन 2006 NIDM वाज एस्टेब्लिश्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि ये फॉल्स है, ट्रू है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये ट्रू है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी जो स्थापना हुआ था NIDM का, वो 2006 में ही हुआ था। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ये प्रेसिडेंट थे आपके ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका रीजनिंग वगैरह है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जीके के रिगार्डिंग है, जीके से पूछा गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ड अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वेस्ट दिनाजपुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिस्ट्रिक्ट, नेमली नॉर्थ दिनाजपुर एंड साउथ दिनाजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1992 में ये बटा था दो भागों में, नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, और वीडियो पहले डाली गई थी जिसमें बताया गया है कि इसका ऑप्शन डी एलोट्रॉप्स सही है। उन सभी को थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया है। तो पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन, ग्रेफाइट कार्बन्स एंड डायमंड्स आर, तो ये एलोट्रॉप्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन पीए ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोन्स नॉट रैपिड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गदर। तो गदर एक उर्दू वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है रेवोल्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन इज इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। सॉल्ट सत्याग्रह नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली। तो कितने मिनट में? लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड्स में आता है सूरज का जो किरण है, तो यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है 38 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाई। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता ही होगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वॉज इंस्ट्रोड्यूस इन इंडिया बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब GST आई थी 1 जुलाई को, तो उस समय जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली, जो कि अब नहीं है, इनका निधन हो गया। और ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यानी कि कन्फ्यूज़न वगैरह है। यहाँ पर आपका आंसर 26 जून दिखा रहा है, लेकिन 29 जून होगा। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 41। तो 41 क्वेश्चन नंबर इज़, तो क्वेश्चन है बोगाज कोई इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी, इंस्क्रिप्शन फाउंड हेयर मेंशन द नेम्स ऑफ वर्ड वैदिक गॉड्स एंड गॉडनेस। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट है 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, तो सुतकोतदा एंड धोलावीरा आर लोकेटेड द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, सुतकोतदा और जो धोलावीरा है वो अभी अभी के समय में समसामयिक में अभी वो गुजरात में है, गुजरात के कच्छ रीजन में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज़ रिटन द बुक इन टाइटल द वंडर दैट वॉज इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर ए एल बसम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 डे मोनेटाइजेशन ऑफ रुपीज़ 501,000 करेंसी नोट्स वॉज अनाउंस्ड ऑन। तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था यानी कि जो नोटबंदी हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, अनाउंसमेंट किया था पीएम मोदी ने, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 विच कैन बाइंड O2 मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, तो ये है रीजनिंग, इसको हम लोग आंसर की में देखेंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन काबूलियत एंड पट्टा एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट वेयर इंस्ट्रोड्यूस बाई। तो इसका सही आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर ए शेरशाह इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 हु रोट राज तरंगिनी। राज तरंगिनी आपका लिखा था कलहण ने, कश्मीर का और कश्मीर के इतिहास के बारे में इसको बताया गया है इसमें, इस बुक में राज तरंगिनी में, और इनको लिखा है कलहण ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियाज़ GDP इज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, आप लोग भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, तो थोड़ा वगैरह डाउट्स है इसमें तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा अगर अब गलत वगैरह है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन मृतराक्षरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रीटाइज ऑन एंशियंट हिंदू लॉ ऑफ इनहिटेंस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51
व्हाट वाज द डेट ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, द फोर प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट चेक मॉडल आर, तो इसका करेक्ट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर बी, फाइंड एसेस क्रिएट एंड टारगेट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्सराय वॉज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज लेड बाई, 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थे और उन सेंटर में इनकी सरकार बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, लिटरल मीनिंग ऑफ लोकपाल इज, तो 55 का करेक्ट आंसर ये अभी तक हमको मिला नहीं है हम लोग को, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। यहाँ तक अगर गेस किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, तो ये मैथ्स है, इसको सीधे आंसर की में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द ऑथर द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, तो इसका करेक्ट आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर सी, सैयद आमिर अली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 58 का, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना खोज किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर बी, लाला हंसराज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, DEFCOM इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर सी, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड को फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल असेंडिंग ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, पहले बांकुड़ा आता है, फिर मुर्शिदाबाद, फिर ईस्ट बर्धमान, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 60। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, चुम्बी वैली इज ऑन बाउंड्री ऑफ, तो ये कहाँ पर है, किसके बाउंड्री पर है, किसके सीमांत है, तो ये है 61 का ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम भूटान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, इफ यू आर रनिंग, तो ये मैथ्स है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, हालांकि ये ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेता हूँ। इफ यू वेयर रनिंग अ रेस यू पास द पर्सन इन सेकेंड प्लेस व्हाट प्लेस यू विन, तो इसका तो करेक्ट आंसर ए, हाँ फर्स्ट, सेकेंड को आप पास कर दिए तो फर्स्ट, हाँ जी बिल्कुल, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और लाइव रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो भी साउंड्स वगैरह आते हैं बैकग्राउंड से। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अंडर हुज गवर्नमेंट जनरलशिप द रेलवेज वेयर इंस्टीट्यूज इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है 63 का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें लोकपाल का मतलब पूछा गया था, जी 55 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केयर टेकर ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 63, हो चुका था 64, जी हाँ 64 हम लोग पढ़ेंगे, क्या है द स्केल ऑफ यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो इसका आंसर है सी, रिक्टर स्केल, ठीक है। 65 है एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज, तो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोसिस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी इन गुजरात वाइडली नोन एज सिप ब्रेकिंग यार्ड, तो 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलांग, ठीक है।
नेक्स्ट है 67, बीकानेर कैन इज टेकन ऑफ फ्रॉम द रिवर, तो इसका करेक्ट आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर सी, सतलज, सतलज इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 68, द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर पेमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, टीचर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन, तो इसका ये सब पता होगा, सबको पता होगा ये 5 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन बल्ब्स, तो इसका करेक्ट आंसर है 70 का ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, किसी तत्व की क्रिया। नेक्स्ट है 71, हु फाउंडेड खुदाए खिदमतगार पार्टी, तो इसका करेक्ट आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है 72 का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट 73, फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये किसी का क्यू नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 74, द ग्रीन हाउस गैस दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बूजन ऑफ फोसल्स फ्यूल्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर है 74 का ऑप्शन नंबर बी, CH4, जिसको मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिफ्यूज नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्यों छोड़ दी, क्यों त्याग दी, तो इसका करेक्ट आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर बी, इन द प्रोटेस्ट ऑफ जालियानवाला मस्कर, यानी कि जालियानवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट वाज मीन्ड बाय खेरवारी हुल, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में पिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, रैंक ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया विथ रेफरेंस टू टोटल पॉपुलेशन वाइड 2011 सेंसस रिपोर्ट इज, तो 77 का करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है PCMA 2006 इज एब्रीविएटेड वर्जन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोविटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। 79 नंबर है ब्लड रिलेशन, छोड़ते हैं उसको, स्किप करते हैं। लास्ट सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज हेल्ड इन द ईयर, 80 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है 81, फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट GI टैग इज, GI का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट है इसका करेक्ट आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दार्जिलिंग टी, 2004 में शायद मिला था इसको। नेक्स्ट है नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्र पोर्ट्रेज द प्लाइट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है 82 का ऑप्शन नंबर ए, बंगाली आर्टिसंस। नेक्स्ट है 83 नंबर आपका सम है कुछ जी, रीजनिंग है ये डायरेक्शन टेस्ट के रिगार्डिंग, डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड। और 84 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 85, नारगिड विल स्टार्ट बाय, 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 2020, कब से स्टार्ट होगा ये, 31 दिसंबर 2020 से। नेक्स्ट है 86, द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड
देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन, अंग्रेजों ने पहला अपना जो फैक्ट्री है वह कहाँ पे स्थापित किया, तो इसका करेक्ट आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। नेक्स्ट है 87, विच ट्राइबल लैंग्वेज हैज़ बिन गिवेन ऑफिशियल स्टेटस इन वेस्ट बंगाल एंड रिगार्डेड एंडेंजर्ड बाय यूनेस्को, तो करेक्ट होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, कुकुड़ लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम, तो इसका करेक्ट आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर ए, फर्मी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 89 नंबर देखते हैं, हेड काउंट रेशियो HCR इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया एज अ मेजर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90, इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ सम ईयर देयर आर थ्री मंडेज विच हैव इवेंट डेट्स, तो ये आपका रीजनिंग है, इसको स्किप करते हैं। 91 देखते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द एनुअल एनरोलमेंट ऑफ सती, ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, उस टाइम गवर्नर को जनरल कौन थे, तो उसका करेक्ट आंसर है 91 का लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट है 92, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज़, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, तो वो है अभी जगदीप धनखड़, इनके इसके पहले थे केसरीनाथ त्रिपाठी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 93, इन विच एक्ट ईयरली ₹1 lakh वॉज अलॉटेड द एडुकेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अभी पता नहीं चला, यानी कि हम लोग आंसर के लिए आपको ज़रूर बता देंगे, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में पिन करके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इन विच न्यूज़पेपर बायकॉट वॉज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर ए, संजीवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 95, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 96, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज़, तो ये बंगाल से ही हैं, और 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अभिजीत विनायक मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, और ये रीजनिंग के रिगार्डिंग है, रीजनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, द फैक्ट चेक मॉडल एम्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 98 का डी, प्रोटेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम फेक न्यूज़। ठीक है, नाइन्टी नाइन है आपका रीजनिंग, 100 देखते हैं, 100 में है आपका फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन अगस्त 2019 बाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि 76 मैंने बोला था, तो 76 का जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज मीन बाय द खेरवाड़ी हुल, तो उसका करेक्ट आंसर होगा संथाल मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, फार्मर सुसाइड इज इन इंडिया इज़ व्यूड एज एन आउटकम ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 101 का सी, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, इन विच ईयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप इन घुसड़ी नियर कोलकाता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1818 में। ठीक है, नेक्स्ट है 103, व्हेन इंडियन रूपी गेट्स डिप्रिसिएटेड वी आर अ यूएस डॉलर इज़ इट यूजुअली मेक्स आवर,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट चीपर एंड इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर। ठीक है, नेक्स्ट है 104। इसरो लॉन्च्ड कार्टोसैट 3 रिसेंटली फ्रॉम, तो 104 का करेक्ट आंसर होगा ए, श्रीहरिकोटा। ठीक है, 105। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 105 का ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट है 106। 106 नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज़, तो 106 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है 107। तो व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो ये तो रीजनिंग है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। 6 से 18, 3 18 से 4 के, 4 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 3 से, 15 20। जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 15 120, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है 108 का बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। तो ये मैथ्स है, एक बार पढ़ देता हूँ। द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, तो ये आपका हेक्सागन हो गया 109, और यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनल्स एंगल्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो 1 2 3, और यहाँ हम लोग अगर लेते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे इसका 360 हो जाएगा आंसर। जी हाँ, 360 ही होता है सर। नेक्स्ट है 110, ये मैथ्स है, इसको स्किप करते हैं। हालांकि इसका आंसर शायद मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, 68। जी 68, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 111, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 173। नेक्स्ट है 112। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अकबर बिल्ट इबादत खाना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1575 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 113। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन पाइनएप्पल, तो इसका करेक्ट आंसर है 113 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ऑल नहीं। ठीक है, सिर्फ ये सही है। नेक्स्ट है 114। विच रीजन इज कॉल्ड द ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। ठीक है, 115। हु वाज बिरजिस कादिर, तो इसका करेक्ट आंसर है 115 का ऑप्शन नंबर बी, नवाब ऑफ औध, औध के नवाब को बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 116। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स हैव टच्ड द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट है 117। सोमासीला डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। फिर है आपका 118। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल। ठीक है, नेक्स्ट है 119। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बीच इन एशिया टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा बीच ओडिशा। ठीक है, इसके बाद 120 है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाइक रीजन, तो 120 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन में ए, कोलेरू लेक। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अगर मैं उधर 26 जो क्वेश्चन थे इंग्लिश के उसको छोड़ दूँ तो लगभग इधर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके हो सकते हैं, तो ये एक तरह से पूरी आंसर की आप समझ सकते हैं। और आशा करते हैं कि जो फुल आंसर की है वो आपको जल्दी हम लोग दे दें। और ये जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा जीके ही पूछे गया है, तो आशा है कि लगभग 80% तक आपका जो आंसर की है वो हो चुका है, बस इंग्लिश ही आपका इसमें छूट जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे जितनी जल्दी हो सके। तो नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी 121। गंगानी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ विच टाइप ऑफ सॉइल, तो इसका करेक्ट आंसर है 121 का ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट है 122। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कंटिनेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है 122 का ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड दैट आरटीआई वॉज एप्लीकेबल टू द, तो उसका करेक्ट आंसर है 123 का ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द CJI आल्सो। 124 देखते हैं, हु एस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC इन ऑफ इंडिया इन 1948, तो इसका करेक्ट आंसर है 124 का ऑप्शन नंबर डी, होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज पब्लिश्ड बाय द, तो इसका करेक्ट आंसर है 125 का ऑप्शन नंबर बी, UNDP। नेक्स्ट है 126। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है 126 का ऑप्शन नंबर डी, वर्क। ये वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब स्केलर है। नेक्स्ट है 127। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो इसका करेक्ट आंसर है जैसा कि आप सबको पता है 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड में साउंड का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है 128। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट टू विजयनगर एम्पायर, तो इसका करेक्ट आंसर है 128 का ऑप्शन नंबर सी, हॉर्सेस। नेक्स्ट है 129। द सर्वर साइक्लोनिक स्टॉर्म द स्ट्रेक वेस्ट बंगाल इन 2019 वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 129 का ए, फानी। ठीक है, फिर है 130, सॉरी फिर 130। प्लांट्स रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है 130 का ऑप्शन नंबर सी, सॉइल, मिट्टी। इसके बाद देखते हैं 131। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता भी होगा, ये 131 का JK हिक्के, जेम्स अगस्टस हिक्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 132। द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेज ड्यूरिंग हिज डेक्कन कंपेनिंग वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 133। जॉन्स इज एंड जोसेफ आर ब्रदर्स विथ डिफरेंट एजेस गिवन दैट, तो ये आपका रीजनिंग है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका का आंसर मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जोन्स एरीज जोसेफ। ठीक है, डिफरेंट एजेस गिवन दैट एरीज इज ओल्डेस्ट। ठीक है जी, एरीज इज ओल्डेस्ट, तो जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 133 का ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ। आप जोसेफ ही हो रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सी जैसा कि लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 134। लिटरेसी रेट इन वेस्ट बंगाल सेंसस 2011, तो इसका करेक्ट आंसर है 134 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 77%। नेक्स्ट है 135। चांसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज इन वेस्ट बंगाल इज, तो 135 का करेक्ट आंसर है ए, गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट द श्रीरंगपट्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 136 का ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 137 का ऑप्शन नंबर सी, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138, द विन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फोर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर, ये सब कॉमन क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 138 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 139, व्हाट वाज द एक्ट 3 1872, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल रिफॉर्म एक्ट। नेक्स्ट है 140, और काकरपाड़ा एटॉमिक सेंटर इज लोकेटेड नियर विच सिटी इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 140 का सी, सूरत। नेक्स्ट है 141, तो 141 है वाज व्हाट वेयर द टू असेंबलीज ड्यूरिंग द ईयरली वैदिक पीरियड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 141 का ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 142, द स्पीड ऑफ एन एंट इज 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द एंट ट्रेवल्स इन अ डे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जी, इसका करेक्ट आंसर है आपका 142 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 143 का ऑप्शन नंबर 127 ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, अरुंधति स्वर्ण योजना बाय आसाम गवर्नमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2020, एम्स टू, उसका एम्स क्या है इस योजना का, तो 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकरेज ब्राइड्स टू रजिस्टर देयर मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है 145, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, तो 145 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 146 देखते हैं, द 100 रुपीज़ करेंसी नोट इन इंडिया साइन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 148 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द अमृता बाजार पत्रिका, तो इसका करेक्ट आंसर है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 148, और ये मैथ से इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 149, हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 149 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है 150, विच सिटी इज लोकेटेड अलोंग मुला मुठा रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 150 का ऑप्शन नंबर बी, पुणे। नेक्स्ट है 151, द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन द ईयर, तो ये कब आया था कैबिनेट मिशन योजना, तो ये आया था 151 का ऑप्शन होगा आपका 1946, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 152, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 39, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 153, हु फाउंडेड इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 153 का बी, धोंदो केशव कार्य, ठीक है। उसके बाद 154 आपका मैथ्स है, उसके बाद यहाँ पे आपका मैथ्स का सेक्शन शुरू हो गया है। 157 देखते हैं, हाइड्रोजन बम इज़ बेस्ड ऑन, तो ये आपका बेस्ड है संलयन में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट है 158, टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेस, तो 158 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेडेड फ्रिक्वेंसी। इसके बाद है 159, इन द लोगो ऑफ लोकपाल
विगिलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो 159 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक चक्र, जैसा कि सबको पता है ऑप्शन उसका देखते हैं 160। संविधान दिवस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है 160 का ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, हु वाज नोन एज द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, तो इसका करेक्ट आंसर है 161 का ऑप्शन नंबर हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 162, द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो निर्मला सीतारमन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 163, तो इसको स्किप करते हैं, इसका आंसर हमें नहीं पता है, हमको आपको आंसर की में मिल जाएगा लेकिन। नेक्स्ट है 164, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है 164 का ऑप्शन नंबर डी फॉसिल्स। उसके बाद 165 है, विच वन इज़ अ फर्टिलाइजर, NaNO3, डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 166, फाइंड द ऑड वन आउट, तो फिलॉसफी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड है और फिलॉसफी अपना अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका उसके बाद है 167, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कंसंट्रेटेड इन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में सी, बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑथराइज्ड अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 168, व्हेन वाज द मद्रास स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड एज तमिलनाडु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1969, 14th जनवरी, ठीक है। उसके बाद है 169, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ NITM वाज प्रीवियसली नेम्ड एज, तो 169 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेम उसके बाद है 170, इन राइटिंग द नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 7 इज यूज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 170 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट है 172, नेशनलाइजेशन ऑफ 14th कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन 1969, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ये। उसके बाद है 173, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रेवोल्यूशनरी वाज द ब्रेन बिहाइंड द चित्तौड़ आर्मरी रेड, तो इसका करेक्ट आंसर है 173 का ऑप्शन नंबर सी सूर्य सेन। नेक्स्ट है 174, हु वाज द फाउंडर ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया, तो 174 का करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली, ठीक है, और ये भी थोड़ा न्यूज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा इसको, इस नाम को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 175, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 175 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर द करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है 176, द आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ अवार्ड बाय आईफा 2019 वाज कन्फर्ड ऑन द एक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 176 का ऑप्शन नंबर सी रजनीकांत। नेक्स्ट है 177, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द, तो करेक्ट आंसर होगा 177 का ऑप्शन नंबर सी जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 178, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन विच आइसलैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है आप सबको पता होगा 178 का ऑप्शन नंबर सी द साउथ अंडमान। देखिए यहाँ पर चेंजेस कर दिए, पूरा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। फिर है 179, द इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर इन इंडिया वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन, तो 179 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जुलाई
1991। नेक्स्ट है 180 द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़, तो ये सबको पता होगा 180, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 181, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिराग एंड ईला। ठीक है, उसके बाद है 182, पोटेशियम परमैंगनेट इज़ यूज्ड टू प्यूरीफाई वाटर एज इट इज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 182 का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट है 183, इंडिया मेड टाइफाइड वैक्सीन अप्रूव्ड बाई WHO वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है 183 का ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है 184, द रिवर ऑन द विच तीलपाड़ा बैरेज इज लोकेटेड, तो 184 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 185, इंडिया सेलिब्रेटेड या विल सेलिब्रेटेड इट्स 17th कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 185 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 186 में आप स्किप करते हैं, उसके बाद है 187 LPG इज अ मिक्सचर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 188 है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 81। उसके बाद 189, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द तत्वबोधिनी सभा, तो इसका करेक्ट आंसर है 189 का ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 190, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसका करेक्ट आंसर है 190 का ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंस विच, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद है 192, थ्रू विथ विच एडुकेशनल रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी केम इनटू एक्सिस्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है 192 का ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच। उसके बाद 193 आपका मैथ्स है, 194 देखते हैं, इन विच कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है 194 का ऑप्शन नंबर बी, सूरत कांग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है 195, हु लेड द बारदोली मूवमेंट, तो उसका करेक्ट आंसर है 195 का ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 196 आपका, इन रेफरेंस टू मुगल्स पीरियड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जब्ती मीन्स, जब्ती का उस समय क्या मतलब था, तो 196 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ऑफ द टोटल यील्ड। नेक्स्ट है 197, द स्लोगन गरीबी हटाओ इज कॉइंड बाय, तो किसके द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो 197 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है 198, सर सी वी रमन वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनल ऑफ रेडिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर है 198 का ऑप्शन नंबर ए, स्कैरेटिंग। उसके बाद 199, द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 199 का ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, द गैस वॉज फील्ड इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि आपको पता है, सामने का अगर 26 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए इंग्लिश का और बीच में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे, तो लगभग यहाँ पर देखा जा रहा है कि 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपके लगभग जीके से पूछे गए थे। ठीक है, जीके का वेटेज बहुत ही ज़्यादा था और सारा जीके का जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें भी अगर डाउट वगैरह या फिर कुछ मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके उसका करेक्ट आंसर ज़रूर होता है, और पूरी आंसर की अभी थोड़ी ही देर बाद चैनल पे आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें हमें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो है आप मिस ना कर पाएँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।